यूपी के शाजापुर में बीती रात श्रद्धालुओं से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस के ऊपर मोरंग गिट्टी से लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि बस में सवार सभी श्रद्धालु यूपी के सीतापुर से उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान थाना खुटार थाना क्षेत्र में गोल रोड पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस डिनर के लिए एक ढाबे के पास रुकी थी। इसी दौरान मोरंग गिट्टी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर बस के ऊपर पलट गया, जिससे बस में बैठे श्रद्धालु दब गए। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान मौके पर ही 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से राहत बचाव को तेज किया, जिससे कई घायलों को जल्दी मेडिकल सुविधा मिल पाई। कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे, तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया, और इसमें तुरंत से जब सूचना मिली थी तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे जो कैजुअल्टीज थी, कुछ कैजुअल्टीज हुई, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाजापुर जिला अस्पताल में भेजा गया और लगातार उसके अंदर जो बेहतर सुविधाएँ हैं उसके संबंध में CMO और जो दूसरे अन्य अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये सिंधोली जो कि सीतापुर में पड़ता है, यहाँ पर थाना कमलापुर है, वहाँ बड़ा जेठा गाँव को वहाँ से आ रहे थे, और बाकी घटना का असली कारण क्या है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अभी जितनी भी कैजुअल्टीज हुई हैं उनके घर वालों के बारे में जानकारी करके उनको बताया जा रहा है, और सभी को निकाल लिया गया है और जो हमारे घायल लोग हैं उनको बेहतर जो भी उपचार सुविधाएँ। आपको बता दें कि मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर पुरुष खाना लेने या फ्रेश होने के लिए बाहर निकले हुए थे। हादसे में मरने वाले श्रद्धालु सीतापुर के सिधौली के निवासी हैं। वहीं हादसे के बाद से आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार है। पुलिस अब ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाजापुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।